रायपुर में जिस तरह से सब्जियों और फलों पर धड़ल्ले से केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए डूमतराई थोक सब्जी मंडियों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर 40 फल सब्जी दुकानों के फलों और सब्जियों का निरीक्षण कर इनकी जांच की गई। और सब्जी को तरोताजा रखने के लिए हमेशा शिकायत मिलती रही है कि उसके लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है। इस शिकायत के आधार पर खाद्य विभाग ने आज छापेमारी कार्रवाई करते हुए डूमर तराई सब्जी मंडी पे पहुंचे हैं और यहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे उनका वाहन खड़ी है जहाँ सैंपल की जाँच की जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न तरह की सब्जियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, मुनगा है, खीरा है, आलू है, पत्ता गोभी है। तो इस तरह के तमाम फल है जिनका सैंपल हर दुकान से लिया गया है और यहाँ पे जांच की जा रही है कि किसमें किस तरह का केमिकल का उपयोग किया गया है, क्या इसको तरोताजा रखने के लिए ये केमिकल का उपयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो लैब में ये सब टेस्टिंग कार्य जारी है। तो इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी हमारे साथ यहाँ पे हैं, सिद्धार्थ जी, इनसे जानते हैं सर किस तरह का सैंपलिंग का कार्य जारी है यहाँ पे। मोबाइल वैन के तहत हम लोग जो है थोक सब्जी मंडी डूमर तराई में हमने जो है कार्रवाई प्लान की और सभी दुकानों से लगभग हरी सब्जी अन्य प्रकार की सब्जियों का सैंपल लिया गया। हमारा उद्देश्य यह है कि सब्जियों में जो भी कलरिंग किया जाता है, वैक्सिंग किया जाता है, उनको दूर करने के लिए अवेयरनेस के लिए, ताकि जो है आम जनमानस को ये पता चल सके कि किस तरह से जो है सब्जियों में इस तरह के कलर के प्रयोग से उसका जो है स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव होता है। तो हम लगभग 11 बजे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए हैं, उनकी जाँच हो रही है। जाँच के आधार पे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या कोई अभी एकाध रिपोर्ट आई है किसी भी चीज का? इनके द्वारा जो जांच किया जा रहा है उसमें किसी भी सब्जी में जो है, जैसे जो ग्रीनलेस लाने के लिए कलर का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा एक रिपोर्ट आया है। और जो भी व्यवसायी या व्यापारी इस तरह से करेंगे उनको पहले तो अवेयर किया जाएगा, उसके बाद अगर सुधार नहीं होता तो लीगल सैंपल लेके कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने पे कि यहाँ इसमें मिलावट हुआ है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसको फेंकवाया जाएगा, उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद उनके यहाँ से लीगल सैंपलिंग की जाएगी। जी, तो अभी आपने सुना फूड सेफ्टी अधिकारी को, जिनका कहना है साफ क्या है कि तमाम दुकानों से सैंपलिंग ले लिया गया है जिसका अभी जांच जारी है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य के मद्देनजर सर ये कार्रवाई की गई है। जो हमेशा से शिकायत मिलती रही है कि जो कलर सब्जी को तरोताजा रखने के लिए केमिकल का प्रयोग की जा रही है, तो इसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। अभी जांच जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है। कैमरा में राहुल के साथ सत्यराज कूट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।